मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति एवं भारतीय पुलिस के आदर्शों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। यूपी पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसा भी आईपीएस अधिकारी है जो बिना गोली चलाए ही अपराध के खात्मे की कसम खा रखी है। यूपी का एक ऐसा शहर जो सामाजिक समरसता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी संत कबीर नगर में पुलिस और जनता के बीच की दूरियों को कम करने वाला एक नायक ऐसा भी है जिसकी खबर आपको दिखानी जरूरी है। कोशिश है कि रात में भी पुलिस बल एक्टिव रहे। हम लोगों का 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी होती है, तो 24 घंटे अलर्ट रहने का काम है, तो ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं। कि जिन्हें कानून के राज में विश्वास नहीं, वे कृपया उत्तर प्रदेश को अवश्य छोड़ दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब उनके दिन बन चुके हैं। हम लोग प्यार से एक बार दो बार समझाएंगे, लेकिन कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो फिर सत्य के साथ कानून अपना कार्य प्रारंभ करेगा और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ये सरकार नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न जाने कितनी बार राज्य की कानून व्यवस्था को सुधार की पटरी पर दौड़ने और अपराधियों को सूबे से बाहर निकालने का वादा दोहराया, लेकिन सूबे में ना अपराध थम रहे हैं और ना ही अपराधियों का खौफ। इन आरोपों के बाद भी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे अफसर भी हैं जिनसे अपराधी खौफ खाते हैं, और जहां कानून राज में कमी के आरोप लगे हैं, वहां आकाश तोमर जैसे अफसरों की धमक से शासन व्यवस्था में हलचल दिखाई देने लगी है। यदि कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति यूपी 100 पर सूचना देता है, तो इस बात को इंश्योर कराया जाए कि उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, तो ये यूपी 100 वाले इंश्योर करा रहे हैं। यदि वो सूचना देते हैं कि कोई किसी आदमी के साथ कोई घटना घट गई और थाने पर रिपोर्ट नहीं दर्ज करा गई, तो खुद थाने वाले जाकर उस पीड़ित के पास जाते हैं और FIR दर्ज करवाते हैं। एक फ़ोन पे 100 नंबर पहुंच जा रही है, यदि SO के पास फ़ोन किया जा रहा है तो आधे घंटे में उनकी पुलिस पहुंच जा रही है। मैंने यह है कि पुलिस में कप्तान साहब का जो है ये दबदबा है, हाँ, भरोसा बढ़ रहा है। अपराध में बहुत लगाम लगी है। अभी SP साहब जल्दी आए हैं, पर जितना जल्दी आए हैं उससे अधिक है, अपनी पहचान बना चुके हैं। जनता इनसे सुखी है, जो कि फील्ड में हमेशा निकलते रहते हैं और बाहर जाते रहते हैं, और हम लोग भी प्रसन्न हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान का चेहरा शर्मसार कर दिया। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों ने कई राज्यों में कानून को भीड़ तंत्र के हाथों में सौंप दिया। बेकाबू भीड़ ने सड़क पर ही फैसला सुना दिया। क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश और क्या हैदराबाद। सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेशों ने कई लोगों की जान ले ली। और इन सबकी शुरुआत सोशल मीडिया के एक मैसेज से हुई। इसी को दूर करने के लिए पुलिस ने एक पहल शुरू की जिसका नाम है डिजिटल वॉलंटियर। यही मैंने महसूस किया कि जनता की यदि से पुलिस का सामंजस्य ठीक रहता है तो फिर बाकी दिक्कतें नहीं आती हैं। तो इसी के संबंध में हम लोगों ने गाज़ियाबाद में सिटीज़न वॉलंटियर एक प्रोजेक्ट था जिसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पर भी हमने, चूंकि वो डिजिटल वॉलंटियर के नाम से पूरे स्टेट में रेप्लिकेट हो चुका है, वहाँ पर करीब 1000 मेम्बर्स हम लोगों ने बना लिए हैं। तो उन लोगों की हम लोग मासिक मीटिंग करेंगे, एक बार मीटिंग भी करी है त्यौहार से पहले,
तो त्यौहार जैसे मुहर्रम का त्यौहार बीता था, कोई समस्या भी नहीं हुई। दूसरा एक और है कि हम हर गांव से 10-10 लोगों को चिन्हित करके उनको भी हम इंक्लूड करेंगे, उनकी फीडिंग करेंगे, ताकि हम डायरेक्टली हम गांव के प्रधान से, गांव के कोटेदार से, गांव के प्रमुख लोगों से टच में रह सकें, पूर्व प्रधान से, और जनता और पुलिस की जो दूरी है ये कम हो, कम्युनिकेशन गैप दूर हो। कानून व्यवस्था लागू करने में आकाश तोमर का तरीका काफी लोकप्रिय माना जाता है कि वो बंदूक से ज्यादा बातचीत और मिलकर काम करने में विश्वास करते हैं। लेकिन कई बार जब खूंखार अपराध ने उनके प्रदेश में दहशत फैलाने की कोशिश की, तो उस अपराध का सामना वर्दी वाले सूरमाओं से हुआ, तो अपराधियों का खून सूख गया। ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जब लाइव एनकाउंटर की खबरों ने प्रदेश में खलबली मचा दी थी। कवि नगर क्षेत्र में पुलिस चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान दो बदमाश बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। उसके बाद जब पुलिस ने बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया, तो बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की और बाइक को जंगल की तरफ दौड़ा दिया। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि ये फरार हो गया। तो ये कोशिश है कि रात में भी पुलिस बल एक्टिव रहे। हम लोगों का 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी होती है, तो 24 घंटे अलर्ट रहने का काम है, तो ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं। रात में कभी भी आकस्मिक रूप से थानों की चेकिंग करना, जो हमारी चीता बाइक्स हैं, जो हमारी 100 नंबर की 2-व्हीलर्स हैं, 4-व्हीलर्स हैं, उनको चेक करना, तो ये सब मेरे द्वारा किया जा रहा है। रात में जाके कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। वही सवाल दोहराऊंगा कि आकाश तोमर सोते कब? देखिए, यहाँ पर सोता तो डेफिनेटली हूँ, लेकिन जनता का काम फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, और इसमें काम के अलावा मतलब फोकस सबसे पहले इसी के ऊपर है कि जनता के लोगों को तुरंत न्याय मिल पाए, उसके बाद पर्सनल लाइफ आती है। तो पहले ये जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है पुलिस का, पुलिस अधीक्षक का, इसको, इसके जो दायित्व हैं उसको पहले पूर्ण करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं काम करता हूँ। तो निश्चित ही रूप से थोड़ा कम स्लीप मिल पाती है, लेकिन बाकी जनता के लोग जब अप्रिशिएट करते हैं तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक और सवाल कि गाजियाबाद में आप जो नहीं कर पाए हों, क्या आप चाहते हैं, वो कौन सा काम है जो आप यहाँ करना चाहते हैं? देखिए, काफ़ी चीज़ें थी जो गाज़ियाबाद में मैंने सोचा था इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, नहीं हो पाए, तो क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें चलती हैं। गाज़ियाबाद में भी काफ़ी चीज़ें हुई, यहाँ पर भी है कि जनता के लोगों को जोड़ना, जैसे हमने गाज़ियाबाद में जोड़ा था वैसे हम करें। जनता से जुड़े और उनकी समस्याओं को करीब से जानने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल वॉलंटियर बनाने की योजना शुरू की है। आकाश तोमर ने अपने नेतृत्व में इसे कारगर तरीके से अपने प्रदेश में लागू किया। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है इसमें। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट होती है, स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट होती है, एक एंटी रोमियो स्क्वाड है, महिला प्रकोष्ठ है, इन सबको हमने कोऑर्डिनेट करके, इकट्ठा करके एक इंस्पेक्टर को प्रभारी बना दिया गया है। तो सभी महिला संबंधी, बच्चों संबंधी जो अपराध हैं उनको देखें, उनको मॉनिटर करें, और फील्ड में भी जाके इंश्योर करें कि कहीं बच्चों के साथ बाल मजदूर तो नहीं है, कहीं बच्चों की या महिलाओं की ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही है, और इन सब केसेस जो हैं रजिस्टर करके इन पर जल्दी कार्रवाई हो, और मेरे द्वारा भी इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और अच्छा इसका रिजल्ट आया है। हम लोगों ने बॉक्सेस, बैलेट बॉक्सेस लगवा दिए हैं महिलाओं के कॉलेजेस के सामने, और इसमें हम डायरेक्टली चेक करते हैं, शोधों को डायरेक्टली वार्न करते हैं कि कोई भी इसमें महिला से संबंधित कोई भी अपराध हो तो महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, ये हम लोगों की पहल है। कहते हैं बदलाव के लिए खुद को आगे रखना पड़ता है, और यही वजह है कि संत कबीर नगर में जिस तरीके से युवा IPS ने आगे बढ़ करके जनता और पुलिस के बीच की कड़ी को जोड़ने का काम किया है, उसे साफ साफ वहां की जनता महसूस कर रही है।
योगी की सरकार बनने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में शहर से गांव तक, स्कूल कॉलेज से मार्केट तक मनचलों के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया गया। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एजेंडे में सबसे अहम है महिलाओं की सुरक्षा और मनचलों का इलाज। उत्तर प्रदेश में शहर से गांव तक, स्कूल कॉलेज से मार्केट तक मनचलों की मनमानी से निपटने और युवतियों की परेशानी दूर करने के लिए योगी सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। हमें बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसी भी शिकायतें मिली कि पुलिस युगल जोड़ियों को परेशान कर रही है। विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाया, लेकिन एसपी तोमर ने यह सुनिश्चित किया कि उनके क्षेत्र में इसे लेकर लोगों को परेशान न किया जाए। देखिए, यहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसमें जो कपल्स होते हैं या फिर एक लड़का लड़की अपनी मर्जी से साथ में बैठे हुए हैं, उनको हम परेशान नहीं करते हैं। पर जो कुछ शोहदे होते हैं, जो इस असामाजिक टाइप के तत्व होते हैं, जो महिला स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर छुट्टियों के तरह में मंडराते रहते हैं, उनको हम लोग पहले तो वार्न करते हैं, माफीनामा इनसे लिखवाते हैं, उनके पेरेंट्स को बताते हैं, नहीं मांगते हैं तो फिर उनके आगे और फिर कार्रवाई। और प्रश्न है कि इन शोहदों की पहचान का क्या कोई जरिया होता है, कोई तरीका होता है कि पुलिस वाले देख के समझ जाएं कि हाँ ये शोहदे हैं सच में, ऐसी कोई उनकी हरकत होती हो? देखिए, हम सादे में डिप्लॉय करके रखते हैं लोगों को, हमारी पुलिस फोर्स एंटी रोमियो स्क्वाड के लोग सादे में रहते हैं, स्पेशली वहाँ पर वो मॉनिटर करते रहते हैं कि कौन लोग बार बार यहाँ पर आ रहे हैं स्कूलों की छुट्टियों के समय, या स्पेसिफिक कोई महिलाओं से शिकायत मिलती है, 1090 से कोई शिकायत मिलती है। पिछले कुछ समय में पूरे देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं ने सबको झकझोर दिया है कि आखिर दोष किसका है। कोई इसको लेकर के पुलिस पर सवाल उठाता है तो कुछ लोग प्रशासन पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी घटनाएँ होती ही क्यों हैं। मर्डर, लूट, फिरौती, अपहरण, ऐसी वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ यूपी में एनकाउंटर तब से चल रहा है जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार रहा हूं, तो थाने के बाहर मौजूद रहेंगे और वहां पर से पिकअप कर लेंगे। मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं हरियर। लेकिन संगठित अपराध पर लगाम अब तक नहीं लग सकी। योगी आदित्यनाथ ने कई मौकों पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 के बीच अपहरण के 13,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, दहेज हत्या के 2,000 से ज्यादा, छेड़खानी के 900 से ज्यादा और बलात्कार के 3,700 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। एक और समस्या है जो उत्तर प्रदेश में पुलिस पर भारी पड़ रही है, यूपी में 2,14,335 पुलिस के पद खाली हैं। मार्च 2017 से मई 2017 के दौरान 200 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के तबादले किए गए, अप्रैल 2017 में 138 टॉप अधिकारियों के तबादले किए गए, अक्टूबर 2017 में यूपी सरकार ने 28 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। ऐसी हालत में हाईटेक हो रहे अपराधियों पर नकेल कसना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। सभी लोगों को यहाँ पर, सारे पत्रकारों के पास, जनता के सभी लोगों के पास, सभी डिजिटल वॉलंटियर्स के पास, बैंक मैनेजर्स और जितने भी यहाँ के लोग हैं, सबको ऑलरेडी मैंने अपना पर्सनल नंबर दे दिया है,
कोई भी बात होती है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है, उसकी सूचना वो मुझे देते हैं, तो फिर मैं डायरेक्टली उस थाने से की टीम को ना लेकर बाकी दूसरे थाने की टीम से मैं रेड करवाता हूँ। उसमें सफलता भी मिलती है और थाने वाले भी सतर्क हो जाते हैं कि इसमें यदि उनके अंदर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उस पर और वो कड़ी दृष्टि रखते हैं। तो ये सफल पहल है और जनता भी महसूस करती है कि यदि हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में तो जनता भी जो भी चीज़ें उनके मन में आती हैं जो बेहतर और हो सकती हैं तो वो भी पॉइंट आउट करते हैं। उससे हमें सहयोग से काफ़ी सूचना भी मिलती है, सहयोग भी बेहतर होता है। करीब 20 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। जिस तरह से नए युवा अफसर पुलिस सिस्टम में आ रहे हैं उनका मकसद है पुलिस की छवि को सुधारना। आकाश तोमर के क्षेत्र में पुलिस को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो फिट रहें और वक्त पड़ने पर एक्शन लेने में देरी ना करें। दुनिया में भारत उन देशों की सूची में है जहां पर आबादी की तुलना में पुलिसकर्मी बेहद कम हैं। भारत में 1000 लोगों पर एक पुलिसकर्मी तैनात है, यहां छुट्टियां भी नहीं मिल पाती। लेकिन आकाश तोमर जैसे आईपीएस सुविधाओं का रोना न रो करके अपराध को खत्म करने की एक नई लकीर खींच रहे हैं। अगली बार मिलेंगे हम किसी और नायक के साथ, तब तक देखते रहिए एक्सपोज इंडिया।